वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भीमा कोरेगांव के मुद्दे पर एनसीपी की मांग पर बीजेपी ने काफी आक्रामक रुख अपनाते हुए इसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की कोशिश बताया है। एनसीपी के कुछ नेताओं ने भीमा कोरेगांव केस में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की थी। भीमा कोरेगांव मामले में आंदोलनकारियों के ऊपर से केस हटाने की एनसीपी की मांग पर बीजेपी भड़क गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार पर ऐसा दबाव बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया। दे वर चार्ज्ड अंडर द UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, बट देयर आर सर्टेन डिमांड्स बीइंग नाउ मेड प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर टू बेल आउट पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड अंडर दिस वेरी वेरी मेजर लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। सो दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज एन अटेम्प्ट टू पॉलिटिसाइज। And I would like the government of India to really certainly advise the state governments not to really compromise national security. भीमा कोरेगांव पर एनसीपी के कई नेताओं का कहना है कि फडणवीस सरकार ने इस केस में सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले लगाए। बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल कहा गया। हालांकि एनसीपी का कहना है कि वो सिर्फ उन्हीं मामलों को वापस लेने की मांग कर रही है जो गंभीर किस्म के नहीं है। जे गुन्हे हे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने लावलेले आहेत अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत मागे घेण्याबाबतीत विचार करता येऊ शकतो। तर त्यामुळे सरकारचं इंटेन्शन हे आहे की सर्व कुणालाही त्रास द्यायचा नाही। अटकले है की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी की इस मांग को मान सकते हैं। भीमा कोरेगावच्या बाबतीत पहिल्या सरकारने ते आदेश दिलेलेच आहेत, त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, ज्यांच्यावरती गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नाहीत त्या सगळ्यांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश गेल्या सरकारने दिलेले आहेत, त्याची अंमलबजावणी झालेली आहे की नाही हे तपासण्याची सुद्धा मी आदेश दिलेले आहेत। भीमा कोरेगाव में पिछले साल 1 जनवरी को कथित रूप से यलगार परिषद की सभा के बाद हिंसा हुई थी। आरोप है कि यलगार परिषद में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, इसके बाद ही हिंसा शुरू हुई थी। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगाव मामले में 23 लोगों के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत केस लगाए हैं। इस केस में फिलहाल जेल में 9 आरोपी बंद है, जबकि गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे रखी है। बाकी के कई आरोपी फरार भी हैं और सभी आरोपियों की बेल अर्जी चार्जशीट से पहले हो या फिर बाद में, ज्यादातर समय सेशंस कोर्ट ने खारिज की है। कुछ आरोपी बेल के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकता संशोधन बिल पर सहमत का खेल महाराष्ट्र में भी दिखाई देने लगा है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में फूट पड़ गई है। संसद में विपक्ष में बैठी शिवसेना कह रही है कि वो इस बिल पर मोदी सरकार का साथ देगी। बड़े धूमधाम से शपथ हुई थी, बड़े बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया था और तब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि मिल मिलाकर बना तो लिया, चलाएंगे कैसे। लेकिन उस दिन तो सब ऐसे बोल रहे थे जैसे बरसों के बिछड़े भाई मिले हो। अब 4 दिन में ही तिगाड़ा का बिगाड़ा नजर आने लगा। इस देश में अगर बाहर से लोग आते हैं, घुसपैठ आते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा देश को होता है। और हमने हमेशा ये मांग किया बांग्लादेशी घुसपैठ है, बांग्लादेशी या पाकिस्तान से घुसखोर यहाँ आए हैं, उनको निकलना ही चाहिए। तो शिवसेना ने रंग दिखा दिया है कि महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए जितना बलिदान करना था कर चुकी, अब वो राजनीति करेगी। शिवसेना बीजेपी के नागरिकता संशोधन बिल पर फिदा है और एनसीपी और कांग्रेस फना। सही एनआरसी ना देके ये सरकार एक असंवैधानिक बिल ला रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका हम विरोध करते हैं। बात केवल नागरिकता बिल की ही नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सरासर दूसरी तरफ खड़ी नजर आ रही है। अब भीमा कोरेगांव का ही मामला ले लीजिए, पवार का गढ़ है। एनसीपी के धनंजय मुंडे ने चिट्ठी लिखी कि 1 जनवरी 2018 की हिंसा में जिन लोगों के खिलाफ फडणवीस सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे वो वापस लिए जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फाइल अटका दी। आज तक
नागपुर में अगर किसी महिला को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अकेले जाना है और उसे डर लग रहा है या कोई साधन उसके पास नहीं है तो पुलिस उसकी मदद करेगी। नागपुर पुलिस ने यह फैसला हैदराबाद की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। सारे देश में हैदराबाद की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर बातें ही चल रही हैं और नागपुर पुलिस एक कदम आगे बढ़कर एक्शन ले चुकी है। अब नागपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अगर किसी महिला को जरूरत होगी तो पुलिस उसे घर तक ड्रॉप करेगी। नागपुर सिटी पुलिस ने एक होम ड्रॉप की योजना शुरू की है। इसमें रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक अगर कोई भी महिला हमको फोन करती है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है या मुझको डर लग रहा है, तो वहाँ पे पुलिस मोबाइल जाएगी और उनको अपने घर पे ड्रॉप करेगी। इसके लिए हमने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस मोबाइल में एक लेडी कॉन्स्टेबल रहेगी ताकि एक लेडी कॉन्स्टेबल रहने से महिला को और सुरक्षित महसूस हो। किसी कारण से अगर फोर व्हीलर जाने में देर होगी तो हमारे जो बीट मार्शल है जो पूरे शहर में घूमता है, हर एक पुलिस स्टेशन में 3-3, 4-4 बीट मार, वहाँ पर जाकर रुकेंगे और वहाँ पे फोर व्हीलर आने तक उनको रुकेंगे और फिर वहाँ पे उनको ड्रॉप करेंगे महिलाएं। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।